टू अवर YouTube चैनल सेंड्रा एडवांस एजुकेशन। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे मैथमेटिक्स क्लास फिफ्थ और आज की हमारी एक्सरसाइज है 5.2। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ मेनी डेज मेक 14,232 आवर्स। तो हमें कितने दिन मिलकर के इतने आवर्स बनाएंगे। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा घुमा करके क्वेश्चन कर दिया गया है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। करना क्या है, देखिए वन डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर 24 से डिवाइड करना है दिए गए नंबर को, जितने भी इसका क्वेश्चन होगा वही इसका आंसर होगा। ओके, सो यू विल डू इट योर सेल्फ। 24 से इसको डिवाइड करना है दिए गए नंबर 14,232 को, जो भी आंसर है दैट विल बी द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। क्वेश्चन नंबर बी की हम बात करें, द अमाउंट रुपीज 8,38,245 ऑफ स्कॉलरशिप इज डिवाइडेड अमाउंग 615 स्टूडेंट्स। ठीक है, जो कि स्कॉलरशिप थी टोटल अमाउंट था इतना, वो डिवाइड की गई 615 स्टूडेंट में। तो हाउ मच मनी डज स्टूडेंट गेट, ईच स्टूडेंट गेट। ओके, डज ईच स्टूडेंट गेट, तो हमारे यहाँ पर जो अमाउंट ये प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक स्टूडेंट को मिली वो कितनी अमाउंट थी। ओके, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करना है, दिए गए इस नंबर को 8,38,245 को डिवाइड करना है हमें 615 से। डिवाइड कैसे करते हैं, लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। ओके, एक बार देख लेते हैं इसको फिर से। ये जो एक्सरसाइज है वर्ड प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन, राइट, सभी क्वेश्चंस इसी तरह से हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को, बाकी क्वेश्चन इसी तरह से आपको करने हैं। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें हमें दिया गया था टोटल अमाउंट ऑफ स्कॉलरशिप जो थी हमारे पास वो 8,38,245 रुपीज थी। ओके, और ये जो स्कॉलरशिप बांटी गई 615 स्टूडेंट में, तो स्कॉलरशिप वाज डिवाइडेड अमाउंग 615 स्टूडेंट, यानी कि 615 स्टूडेंट्स में ये जो स्कॉलरशिप थी टोटल वो डिवाइड की गई बांटी गई। सो यहाँ पर पूछा गया है कि प्रत्येक जो स्टूडेंट है, यानी ईच स्टूडेंट गॉट रुपीज, यानी गॉट स्कॉलरशिप रुपीज कितने, हर एक प्रत्येक स्टूडेंट को कितने रुपीज इसमें मिले एज स्कॉलरशिप, राइट। तो हम क्या करना है, जो हमारी टोटल स्कॉलरशिप थी उसको हमें डिवाइड करेंगे किससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट से, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं जिनमें वो बांटी गई, यानी कि डिवाइड बाय 615। देखिए अब हमें इस नंबर को डिवाइड करना है 615 से, तो डिवाइड करने का हमारे पास तरीका क्या है, 615 को डिवाइड हम लगाएंगे, ओके, 615 से डिवाइड लगाएंगे 8,38,245। ठीक है, देखिए यहाँ पर 6 है, 8 है, 6 बन जाए वन टाइम चल जाएगा। ओके, सो 15 जब 5, 11 जब 1, 16 जब 6। ओके, 8 में से 5 गया तो कितना बचा, 3, 2 में 3 में से 1 माइनस हुआ तो कितना बचा, 2, यहाँ पर कितना बचेगा, ऑल्सो 2, राइट। अब ये जो नंबर है 223, यहाँ पर नंबर है 615, तो ये छोटा नंबर है, हमने आगे से क्या करेंगे, 2 यहाँ से उतार लेंगे, नोट कर लेंगे, अब ये हो जाएगा हमारे पास 2,232। तो हमें 6 की मान, 6 का डिवीजन चलाना है 22 में, 6 का टेबल चलाना है जो 22 से ज़्यादा ना हो जाए, तो 6 3 जा 18, ओके, 3 टाइम चला के हम देख लेते हैं, क्योंकि 6 4 जा 24 हो जाएगा जो ज़्यादा हो जाता है 22 से, तो 6 3 जा 18। अब इस 3 की मल्टीप्लाई हमें फिर से ऐसे ही करनी है, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 एंड 3 6 जा 8 10। ओके, अब यहाँ से देखिए माइनस करेंगे, 12 में से 5 गया तो 7 बचेगा, अब यहाँ 2 बच गया 4 नहीं जाएगा, 12 में से 4 गया तो 8 बचा, यहाँ पर 1 बच गया, इधर से कैरी लिया तो 11 में से 8 गया तो 3 बचेगा।
राइट। अब ये नंबर छोटा है, इससे आगे से हम फिर से एक कैरी फॉरवर्ड ले लेते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। ओके सो अब क्या करना है, यहाँ पर 38 में 6 का टेबल हमें चलाना है, तो कितना हो जाएगा 6 5 30 एंड 6 6 36, 6 टाइम देख लेते हैं, तो 6 5 30 की जीरो कैरी 3, 6 1 6 और 3 9, ओके एंड 6 6 30 6, 4 में से 0 हो गया 4, 7 में से 9 भी जाएगा, 17 में से 9 गया तो 8 बचेगा। ओके यहाँ पर 7 बच गया, 7 में से 6 गया तो 1 बचा। ओके अभी हमारे पास क्या है, आगे 1 है, तो यहाँ से हम 5 को यहाँ से उतार लेंगे, 5 बचा हुआ है, 5 नोट कर दिया। अब 6 का टेबल हम चलाएंगे कितने में, 18 में, तो 6 3 जा 18, ओके तो 3 टाइम्स हम चला रहे हैं यहाँ पर, 3 5 जा 15 का 5 कैरी 1, 3 1 जा 3 और 1 4 एंड 3 6 जा 18, ओके तो यहाँ पर क्या बचा, 0 बचेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, यहाँ भी कुछ नहीं बचेगा, तो कुछ नहीं बचा छोड़ देते हैं राइट। तो यहाँ पर कितने जो स्टूडेंट्स ने मुझे पूछा गया था कि ईच स्टूडेंट्स कितने कितनी स्कॉलरशिप तक पहुंचेगी, तो ईच स्टूडेंट विल फाइंड रुपीज, यहाँ पर आप लिख सकते हैं इक्वल टू राइट, ये तो हमारा एक रफली काम था, तो यहाँ पर आंसर कितना आया 1363, जो भी क्वेश्चन होता है वही हमारा आंसर होता है, तो 1363 जो आरएस थे हमें, रुपीज थे, वो प्रत्येक बच्चे को, प्रत्येक स्टूडेंट को एज स्कॉलरशिप मिला। इस एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल इसी तरह से है जैसे क्वेश्चन था, यहाँ 3 क्वेश्चन में भी हमें इस नंबर को डिवाइड करना है बाय दिस नंबर, देन वी विल फाइंड द अदर नंबर, क्योंकि इसने कहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट में दो नंबर की मल्टीप्लाई हमारी इतनी होती है, इफ़ वन नंबर इज दिस देन फाइंड द अदर नंबर राइट। तो हमें इस नंबर को डिवाइड करना है, इस नंबर से जो भी आंसर होगा, क्वेश्चन जो भी होगा, वही हमारा रिक्वायर्ड सेकेंड नंबर होगा राइट। सो फोर क्वेश्चन इज द प्राइस ऑफ 739 क्विंटल्स ऑफ राइस इज 1,34,498, देन फाइंड द प्राइस ऑफ 1 क्विंटल राइस, तो 1 क्विंटल इतने क्विंटल का तो प्राइस इतना है, तो 1 क्विंटल का कितना हो जाएगा, इतना अपॉन इतना, यानी कि हमें इस नंबर को डिवाइड करना है 739 से, जो भी क्वेश्चन होगा वही इसका आंसर है राइट, वही रिक्वायर्ड आंसर है, रिक्वायर्ड प्राइस ऑफ 1 क्विंटल राइस होगा। ओके सो क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट द ग्रेटेस्ट 9 डिजिट नंबर, देखिए हमें एक 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है, अगर हम 9 को 9 टाइम्स लिख दें तो वो क्या हो जाएगा, 9 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर बन जाएगा। ओके तो ये कितनी बार हो गया हमारा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और देखिए एक बार और हम लिख देंगे तो कितना हो जाएगा ये 9 राइट। ओके सो ये ग्रेटेस्ट नंबर है 9 डिजिट का, डिवाइड इट बाय द प्रोडक्ट ऑफ 15 एंड 17, इसने कहा है कि 15 और 17 के प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट मतलब 15 का मल्टीप्लाई करो 17 में, जो भी आएगा आंसर वो उसका प्रोडक्ट होगा, तो ये जो आंसर से मल्टीप्लाई करके आएगा इस नंबर से, इसको डिवाइड लगाना है। ओके देन जो भी होगा फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर, तो क्वोशेंट में आपको पता है क्वोशेंट क्या होता है, डिवाइड होकर के जो आएगा साइड में लिखा जाता है वो क्वोशेंट होगा, और जो नीचे बचता है वो रिमाइंडर होता है, इसे आपको करना है योर सेल्फ। ओके नाउ द एफ इज इतने एप्पल्स कैन बी पैक्ड इन 3408 बॉक्सेस, देन हाउ मैनी एप्पल्स विल ईच बॉक्स कंटेन, तो यहाँ भी आपको करना है प्रत्येक बॉक्स में कितने एप्पल्स होंगे, तो इस नंबर से डिवाइड करना है, इस नंबर को डिवाइड के बाद जो भी क्वेश्चन होगा वो इसका आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके नाउ जी है, एक ट्रक कैन होल्ड 512 बॉक्सेस, ओके हाउ मैनी ट्रक्स विल बी नीडेड टू होल्ड इतने बॉक्सेस, जब एक ट्रक में इतने बॉक्स आ सकते हैं तो इतने बॉक्स कितने ट्रक में आएंगे, तो इस नंबर को हमें डिवाइड करना है बाय 512, जो भी क्वोशेंट है, जो भी क्वोशेंट होगा वो इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा राइट, नंबर ऑफ ट्रक्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रक्स होगा। नाउ एच 78 मशीन्स वेट 45,006 kg, देन व्हाट इज द वेट ऑफ वन मशीन,
तो इस नंबर को जो टोटल वेट है उसको डिवाइड करेंगे हम मशीन के वेट से 78 से, जो भी क्वेश्चन है वही इसका वन मशीन का कंप्लीट वेट होगा, राइट। सो इसी तरह से आपको क्वेश्चन ये करने हैं, डिवाइड के क्वेश्चन हैं, सेम सभी ऐसे ही होंगे। थैंक यू वेरी मच, जल्द ही लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।